कौन कौन से ज्वाइन हमने डिस्कस कर लिया बेटा कार्डिशन प्रोडक्ट ठीक है अब जैसे इक्वी डिस्कस किया, वैसे ही हम बात करेंगे इक्वी वहाँ था? यहां जो कंडीशन आपका बेस होगा या जो ऑपरेटर होगा वो आपका इक्वालिटी के अलावा कोई और होगा ठीक है तो समझने की कोशिश करता है सो वी कैन यूज अ नॉन इक्विलिटी कंडीशन इन ज्वाइन सच ज्वाइन आर कॉल्ड नॉन इक्विंग Okay. And they are also possible in SQL. When we join two tables using other conditional operators beyond the equal swine, non join come into play. Comparison operator like less than, greater than, not equal to, and the between operator also can be used in SQL conditions. Okay. Can be used in SQL conditions. So we can use non join to list all pairs of items.

जन ऑपरेटर या सिंबॉल यूज कर रहे हो ठीक है आप use कर सकते हो, ठीक है? अब देखो इसके लिए जो हमने यूज किया हुआ है पहला टेबल तो आपका employee table ही है, जो हम use करते आ रहे हैं जिसमें ई एमपी टेबल का पार्ट है दूसरा याद करो ये हमारा डीपीडी टेबल है ठीक है ये डी टेबल है डीपीडी टेबल में आपके पास डिपार्टमेंट नंबर डी नेम लोकेशन है इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अब इसमें देखो मैंने क्या कर दिया डीपीटी टेबल में डीपीटी पोजिशन सैलरी वन एंड सैलरी टू दो कॉलम कर दिया एक है सैलरी एक सैलरी टू ठीक है समझते हैं अब आपसे अगर बोला जाए बेटा डिस्प्ले द नेम सैलरी डी नेम वेयर सैलरी इज बिटवीन एनी पेयर ऑफ सैलरी वन एंड सैलरी टू फिर से समझो

अब मैंने क्या किया मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट वन डॉट सैलरी वन डिपार्टमेंट वन डॉट सैलरी टू फ्रॉम पी कॉमर डिपार्टमेंट वन और इसको रन किया तो टोटल 14 into 4, 56 रोज आ जाएंगे ठीक है क्लियर है यहां तक ये मैं आपको यहां भी शो कर देता हूं ये देखो ये मैंने यहां शो कर दिया ठीक है अब मेरा क्वेश्चन समझो बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा आपको कौन सा सैलरी चाहिए और नेम चाहिए और डी नेम चाहिए आपको नेम चाहिए सैलरी चाहिए और डी नेम चाहिए बट सैलरी शुड बी बिटवीन एनी पेयर ऑफ सैलरी वन एंड सैलरी टू ठीक है तो देखो आपको आउटपुट चाहिए कुछ ऐसा अगर मैं बात करूं ये सैलरी है ये क्या सैलरी वन और सैलरी टू के बीच का है क्या बताओ 1250 और 2000 के बीच में आता है 5000 तो किंग को हम नहीं कंसीडर करेंगे आगे बात करते हैं 2850 देखो 1250 2000 के बीच आता है नहीं 2415 के बीच आता है नहीं 29, भी नहीं नहीं आएगा 3, 000, 3, 000. 800 आता है क्या इंक्लूड करेगा फिर ट्वेल्व फिफ्टी भी आएगा फिफ्टीन हंड्रेड भी आएगा इलेवन हंड्रेड भी आएगा तो ऐसे सारे के सारे इलेवन हंड्रेड आएगा नहीं आएगा सॉरी सॉरी इलेवन नहीं आएगा लेकिन थर्टी आएगा यस ठीक है तो इसका मतलब सारे के सारे वो सैलरी आएंगे जो सैलरी वन और सैलरी टू के बिटवीन है ठीक है तो लिखने का तरीका समझते हैं बेटा क्वेरी से तो अब मैंने क्या किया बच्चे मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई डी टी वन डी वेयर ई डॉट सैलरी बिटवीन डी डॉट सैलरी वन एंड डी डॉट सैलरी टू अब यहां देखो इक्वल टू के अलावा बिटवीन लग गया कि नहीं लग गया तो बस यही डिफरेंस है ऑपरेटर होता है ऑपरेटर के अलावा कुछ होगा तो मैंने लिखा वेर यू डॉट सैलरी 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 वन एंड सैलरी टू के बीच का है तो आपको मिल गया टोटल फोर्टीन रोज इज क्लियर ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा एंड डी नेम ऑफ सेम डिपार्टमेंट एंड सैलरी वन अब डिपार्टमेंट सेम चाहिए तो क्या कंडीशन होगा इंप्लाइडी तो करना, करना पड़ेगा और साथ में सैलरी इज लेसरी वन सैलरी इज सैलरी वन ठीक है सैलरी जो होनी चाहिए सैलरी वन से लेस होना चाहिए तो एंड सैलरी लेस देन सैलरी वन कर दो तो चलो रन करके देखते हैं बेटा तो मैंने अगला जो नेक्स्ट है

तो जब मैं अब अगला क्वेरी लिख रहा हूं तो देखो सिलेक्ट ई नेम सैलरी ई डिपार्टमेंट नंबर डी डॉ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉ डी पीटी वन डी वेयर ई ईड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी इज लेस देन सैलरी वन देखो आ गया क्लियर है बेटा बात समझ में आ रही है ठीक है यहां पर इस बात को ध्यान रखना इसका नाम जो है ना इस टेबल का नाम इसका नाम है ई एम पी और इसका नाम है डीपीटी वन मैं बार बार डीपीटी यूज कर रहा हूँ ये डीपीटी टी वन है बेटा वहां मैं यूज कर रहा हूं डीपीटी वन ये बात को ध्यान रखना ठीक है तो आपका ये भी क्वेरी चल जाएगा ठीक है अब अगर आप देखो तो अब आपने यहां पास क्या किया कि जिसका भी डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर और इंप्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के सेम हुआ और साथ में सैलरी जो है वो सैलरी वन से लेस देन है वो सारे के सारे आपने रिजल्ट निकाल दिए ठीक है तो ये आपका क्या था बेटा इक्विज्वाइन सॉरी नॉन इक्विज्वाइन करने का तरीका नॉन इक्विजन को भी आप एन एस आई सिंटेक्स से एन एस आई सिंटेक्स से आप नॉन इक्वी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे करोगे तरीका है देखो सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वन यहां ज्वाइन लिख दो या इनर ज्वाइन लिख दो टेबल टू और ऑन के बाद आप कंडीशन लगा सकते हो टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम और वेयर के बाद कंडीशन जैसा हम दूसरे इक्विज्वाइन या सेल्फ ज्वाइन में यूज करते थे तो एक क्वेरी इसका देख लेते हैं मैंने लिखा डी e लिख मैंने डिपार्टमेंट वन ऑन डॉट डिपार्टमेंट इक्वालिटी भी यूज कर रहे हैं और लेस देन भी यूज कर रहे हैं ठीक है क्लियर है अब इसको आप रन करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा बेटा आउटपुट सेम है कोई दिक्कत नहीं है आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है मतलब आप इस सिंपल ऑन के थ्रू यूज करो या बिना ऑन के बिना एनएसआई सिंटेक्स के यूज करो दोनों के आउटपुट सेम आएंगे बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉन ज्वाइन नॉन इक्वी ज्वाइन हम कैसे यूज करते हैं